आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकेंद्रीकरण के लिए 6 नए संजीवनी क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी परिसर में बनाए जा रहे संजीवनी क्लिनिक का कलेक्टर मनोज पुष्प ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित कार्यपालन यात्री लोक निर्माण विभाग को भवन में आवश्यक सुधार कार्य तत्काल कराने तथा बाउंड्री वॉल निर्माण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि संजीवनी क्लिनिक प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा। इसमें प्राथमिक उपचार एवं जांच की सभी सुविधाएं, गर्भवती महिलाओं की जांच तथा टीकाकरण की सुविधा रहेगी। संजीवनी क्लिनिक संचालित होने से छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए लोगों को बड़े अस्पताल तक नहीं जाना पड़ेगा। मौके पर उपस्थित आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने बताया कि नवीन स्वीकृत संजीवनी क्लिनिकों के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इनमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रीवा शहर में रानी तालाब, ढेकहा, रतहरी बस्ती, सिरोहरा कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में संजीवनी क्लिनिक संचालित किया जा रहा है, जिनके आसपास अधिकतर कमजोर आय वर्ग के परिवार निवास कर रहे हैं। मौके पर उपस्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनएन मिश्रा ने संजीवनी क्लिनिक स्थापित करने के संबंध में की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। निरीक्षण के समय कार्यपालन यात्री लोक निर्माण विभाग के गर्ग डीपीएम अर्पिता सिंह तथा स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। अभी रीवा जिले में पहले से 3 संजीवनी क्लिनिक संचालित हैं, जिसमें रानी तालाब और सामुदायिक भवन में ढेकहा संजीवनी क्लिनिक और चिरहुला लल्पा तालाब जो है वहाँ पे हमारी 3 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक पहले से संचालित हैं। 6 और अभी अपनी स्वीकृति मिली है, जो जिसमें से 2 इस महीने जिनका उद्घाटन करा दिया जाएगा, बाकी 4 का आगे। ज्यादातर आमतौर पर ये देखेंगे जितनी भी क्लिनिक खुलती है सब प्राइवेट मकानों में खुलती है, जिनका किराया सरकार को वहन करना पड़ता है। ये संजीवनी क्लिनिक हमारी जो पहले से संचालित है वो सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग में, सब नगर निगम के ही सामुदायिक भवन है। यूपीएससी जो है हमारे प्राथमिक अर्बन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो जरूर हमारे प्राइवेट बिल्डिंग में संचालित है, क्योंकि उसके लिए हमने कोशिश की थी कि हमको वो भी गवर्नमेंट में मिल जाए, लेकिन वहाँ पे मिल नहीं पाया हमको भवन। बाकी ये जो 6 अभी इस साल स्वीकृति मिली, ये सारी गवर्नमेंट संस्थाएं ही रहेंगी, गवर्नमेंट की इनका कंस्ट्रक्शन कराएगी, तो इसमें प्राइवेट जैसा कोई रोल इसमें नहीं है। ये पॉपुलेशन के हिसाब से है, जबलपुर बड़ा जिला है, रीवा उसके कंपेरिजन में छोटा जिला है, तो जहाँ जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 6 नए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का नगर निगम निर्माण करेगा, इनका संचालन हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो उनके साथ मीटिंग करके 4 नई लोकेशंस आइडेंटिफाई करी हैं, जहाँ पे अभी स्वास्थ्य के एंगल से ज़्यादा बेहतर उनका संचालन हो सकेगा, और 2 एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में उनका सुधार करके जो इनकी हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुरूप नगर निगम उसको तैयार करके। तो शासकीय ज़मीन ही नगर निगम आवंटित कराएगा? शासकीय ज़मीन है और 2 जो अनुपयोगी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर 2 चालू होंगे, और बाकी 4 हम अभी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि 4 एकदम नए जो बनेंगे शासकीय खाली जगहों पर वहाँ पे काम करेंगे।